आज हम मौजूद हैं यमुना बिहार के P5 में, जहां पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है और प्रोग्राम का नाम है सेवा ही संगठन। जी हाँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, एक नई रिपोर्ट देखिए आप। धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जब महामारी की चारों तरफ हालात खराब थे, आपने हमने सबने शायद जीवन में कभी ऐसा एक डेढ़ महीने का समय नहीं देखा होगा। उन हालातों में जिन लोगों ने आगे आकर अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठकर, अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर समाज की सेवा की, अपनी जान की चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का आज ये कार्यक्रम रखा है। और जोरदार तालियों से अशोक गोयल जी का जो सेवा के कार्यों को दिल्ली प्रदेश की तरफ से आप देख रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर यूके चौधरी जी जो महामंत्री भी है भाजपा में, और इन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की। और एक बार डॉक्टर वीके गोयल जी, जिनका पंचशील के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल है, ये दो हॉस्पिटल कोविड के हमारे यहाँ पर चल रहे थे। डॉक्टर साहब ने, आपकी धर्मपत्नी ने, पूरे परिवार ने बहुत सेवा की है समाज की। जितना इन लोगों का उत्साह वर्धन किया जाए, ये निश्चित ही तारीफ के काबिल है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अरे भाई थोड़ा सा आगे परमोद गुप्ता जी, हमारे गोंडा से लोकप्रिय विधायक अजय महावा जी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र बेलवा जी अर्जुन गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जिले के सहप्रभारी बड़े भाई छत्तीसगढ़ जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा श्री मनोज तिवारी जी, जिला अध्यक्ष श्री मोहन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक जी, विधायक अजय महावर जी, सत्यनारायण गौतम जी, हमारे एसएचओ साहब यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री प्रमोद गुप्ता जी और साथ साथ आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ये कार्यक्रम उन लोगों का है जो लगातार सेवा के काम में जुटे रहे हैं, चाहे पुलिस के लोग बंद थे, लगातार काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी सेवा ही संगठन है, इसी नाते से जहाँ दिल्ली में घर घर तक जरूरतमंदों को, चाहे वो कोरोना के कारण से घरों में कोई कोई लोग थे, वहां तक भोजन का मामला हो, चाहे ऐसे सब लोग उनके जिनको जरूरत है वहां तक भोजन काढ़ा, ऐसा एक कार्यक्रम आज ही आयोजित किया जा रहा है। मैं एक बात कहूंगा अध्यक्ष जी, एक लाइन की कहानी के साथ अपनी बात कहूंगा। एक बार एक प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा ही संगठन, संगठन सेवा का एक माध्यम है, इस बात उन्हें सड़कों पर जाकर काम किया है। ऐसे हमारे आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जिनके आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ आए हुए हैं, आप सबको हम सब प्रणाम कर रहे हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके, जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। ये सभा ही आपको सम्मानित करने के लिए है। मैं देख रहा था इस बैग में च्यवनप्राश है, इसमें मल्टीविटामिन है, सैनिटाइजर है, और एक वेपोराइजर है जो जिससे भाप लेते हैं। मैं स्वयं कोरोना से निकल के आया हूँ मेरे भाई बहन, और मैंने इस कोरोना संकट में महसूस किया कि ये भाप लेना इतना इम्पोर्टेंट है, कम से कम दवाइयाँ लेना, ये जिंको पावर इसमें एक रखा हुआ है,
जिनकी हर विटामिन इस कोरोना संकट में बहुत काम दी है और मैं अभी तक ले रहा हूँ। वही दवा इसमें रखी हुई है, विटामिन सी भी है जो कि बहुत ही आवश्यक है, उसको तो जितनी बार एक दिन ले लिया, एक दिन में एक बार ले लिया जाए, तो विटामिन डी भी है। तो ये सभा का मैं जो महत्व समझ पाया हूँ, जो प्रमोद गुप्ता जी ने किया, यहाँ के पार्षद ने, जहाँ यहाँ के विधायक जी अजय महावर भी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, और सत्यनारायण गौतम जी जो हमारे जिले के पार्टी के प्रभारी हैं, सह प्रभारी सतीश गर्ग जी, और अशोक गोयल जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ हमारा जिलाध्यक्ष मोहन गोयल, उसकी ऊर्जा के लिए तो मैं क्या कहूँ, ताली बजा देंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे मोहन गोयल की ऊर्जा का कोई और छोर नहीं है। तो हम आप सबको अपने साथियों के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हमारे मोहन ये मुकेश गोयल जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, और मेरी दाढ़ी देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं सोचा इसी में थोड़ा सा मौका मिला है तो बढ़ा लिया जाए, 4-5 दिन में कटवाऊंगा। और आप सबको मैं खुश देखना चाहता हूँ। अभी आजकल नकारात्मक समाचारों से भी बच के रहना है। मुझे जब कोरोना हुआ था अध्यक्ष जी, तो मुझे जब जब किसी का समाचार, तो संकट तो था ही, समाचार लोग बताते ही थे लिख के फोटो के साथ कि ये हमारा मित्र चला गया, तो उस समय जैसे ही समाचार पढ़ने के बाद में 2 दिन और प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, तो मैंने अपने आप को मोबाइल से भी 10 दिन के लिए दूर कर लिया। लेकिन इस सारी परिस्थितियों में जो आप फ्रंट पे खड़े रहे हो, आप लोग जिनको आज सम्मानित कर रहे हैं, हमारे किनको किनको कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस मत बोलो, दिल्ली पुलिस को आजकल दिल की पुलिस बोला जा रहा है, ये दिल की पुलिस हो गई है। तो आप सबको हम सम्मानित करने आए हैं। हालांकि मीडिया के भी, हमारे जो मीडिया के लोगों को भी कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स मान लिया गया है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारी लोकसभा में आजकल हमारे अध्यक्ष जी का लगातार 3-4 दिन आना हुआ, उसके लिए आप भले ही कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हो, एक जोरदार तालियां बजा दीजिए आदेश जी के लिए, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। साथियों, और यहाँ आए हुए इतनी संख्या में कोरोना वॉरियर्स और दिल्ली पुलिस के हमारे जवान साथी बहुत सही बात कही है हमारे बड़े भाई मनोज जी ने कि ये बहुत मुश्किल का वक्त था, और इस मुश्किल के वक्त में एक ही बात, हिम्मत और हौसले से ही हम इस मुश्किल वक्त को हरा सकते हैं, और कोरोना जैसी महामारी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप जैसे लोगों ने हौसला रख के, वो डॉक्टर के रूप में, वो पत्रकार के रूप में, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, या निगम के जो साथी हैं उनके रूप में, और दिल्ली पुलिस के रूप में, सबने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर साहब और इनके यहाँ करीब 150-200 लोगों का स्टाफ है, पूरी टीम ने कोविड के अंदर बहुत जबरदस्त मेहनत की है। आपकी पत्नी भी, आपकी बेटी, हमारे क्षेत्र की सबसे पहली वैक्सीन इनके लगी थी, पहली वैक्सीन आपकी बेटी आकर लगी थी, अभी सामने मौजूद किया है, लोगों की बहुत सेवा की दिन रात। डॉक्टर एके चौधरी जी की धर्मपत्नी नीरज चौधरी जी, डॉक्टर भाभी जी दिख रही है, डॉक्टर संगीता चौधरी जी, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज है डॉक्टर विजयलाल जी,
जिनके सम्मान पत्र है वो भी लास्ट में देने की व्यवस्था रखी है। डॉक्टर नीरज चौधरी जी, बहुत सेवा की नीरज जी ने जिनका, और मेरे माता जी भी जैसे वही तुम घर पर आकर ये दोनों दिन की बात देखा था तब बहुत बुरा। और हमारे हम डॉक्टर दाना बनते सैलेंडर खुद गाड़ी में नकल हुआ है हमारे राकेश यादव जी, बहुत बहुत जिसे जैसे आपने कहा ना आप सकें थोड़ा सा जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। सिलेंडर तक उतरवाए हैं, बहुत दिल की पुलिस सही मायने में सेल्फी आई है। हर्ष भैया दिल्ली पुलिस के बाद मीडिया के जब अंदर है और आप सबके सम्मान पत्र सर्टिफिकेट नाम के साथ बने हुए कुछ काउंटर बनाया गया है, आप सभी के नाम से छुट्टी आई की सर्टिफिकेट बने हुए हैं। सत्य संगीता चौधरी जी मंच पर आ जाओ। अजय जी इस बात मीडिया के लिए मीडिया वाले भाई वीडियो ना वैक्सीनेशन सेंटर के जो लोग हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है उनको सेंटर पे जाना है तो उसके बाद वैक्सीनेशन के लोग आएंगे तो उनकी ओपीडी भी चालू हमारे निर्वाचन में कोरोना वॉरियर्स चाहे वो डॉक्टर्स हो, वो पुलिस हम उसके जवान हो या फिर मीडिया के साथी हो, जिन्होंने फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर की तरह काम किया है उनको सम्मानित किया है। पार्टी के ने सेवा ही संगठन रहे हैं। वो वैक्सीनेशन आज 52 लाख से ज़्यादा लोगों को दिल्ली में वैक्सीनेशन हुआ है वो केंद्र सरकार ने दी है। तो ये दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर ऑक्सीजन की तरह अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जबकि वैक्सीनेशन उपलब्ध है, दिल्ली सरकार समय पर उसको खरीद नहीं पा रही है, खरीदने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, यही कारण है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं और
दूसरी तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अच्छा, दूसरी लहर में दिल्ली में काफी तबाही हुई है, तो तीसरी लहर के लिए दिल्ली की तैयारी नजर आती है? देखिए, दूसरी लहर में बहुत नुकसान हुआ है, दिल्ली सरकार को तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए, और जो जो कमियां इसमें रह गई हैं, उनके पास वेंटिलेटर्स कम थे, ऑक्सीजन कम थी, इन सब की तैयारियों को ध्यान करते हुए तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि बात की, कोई भी अलग से किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया कि कोरोना वॉरियर में पत्रकारों को रख के उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, या जैसे पत्रकार आपने बोला काल के काल में समाज है, उनके लिए कुछ अलग से उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सम्मान से आप मानते हैं कि जो लोग इस कोरोना काल के काल में समाये हैं, उनका भरण पोषण? देखिए, मैं आज अपने आप को एक पार्षद न मान के, अपने आप को कोई नेता या जनप्रतिनिधि न मान के, मैंने आज सामान्य भाव से मेरे दम्य भाव था कि वो लोग जिन्होंने सही मायने में मेरे क्षेत्र में मेरी दृष्टि में जिन्होंने काम किया है, मैंने उन लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है। बाकी सरकार अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगी, मेरे नज़र में वो सभी लोग सम्माननीय है, माननीय है, जिन लोगों ने क्षेत्र के अंदर सेवाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद।